कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, रिटायर हो जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ परफॉर्मेंस अगर नहीं हो रही तो उस पे बंदा रिटायर हो सके। ये वो अलग बात है कि आपकी एज फैक्टर होता है। दो साल से परफॉर्मेंस बाबर आजम जो है ना, उसकी फ्रंट फुट शॉट्स जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो विराट कोहली है ना, उसकी जो उसको एक टर्म उसकी एक अलग क्लास है, उसकी डेफिनेटली एक अलग क्लास है। कोई बॉडी कोई ऐसा मसलन सा आ जाते हैं फिजिकली, तो वो तो मानने में आती है। ड्रॉप अप तो फिर आप सर टीम को लेकर कैसे चलेंगे? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड नमस्ते इंडिया। आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बाबर आजम और विराट कोहली से रिलेटेड है। विराट कोहली की परफॉर्मेंस 3 साल से नहीं अच्छी जा रही, उसी पे आज हम बात करेंगे कि काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं विराट कोहली को लेके, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन जा रही है। काफ़ी अरसे से वो ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं विराट कोहली, नो डाउट उनके पास एक क्लास है, उनके पास उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उनका बैटिंग का स्टाइल एक क्लास है। वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन भी वो रह चुके हैं, ओडीआई रैंकिंग में नंबर वन वो आ चुके हैं, तीनों फॉर्मेट्स में वो आ चुके हैं, काफ़ी सालों से वो इंडिया की कप्तानी भी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 3 साल से जो उनकी परफॉर्मेंस जा रही है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है, इसको लेके पूरी दुनिया में चर्चा किया जा रहा है। बड़े बड़े प्लेयर इसके बारे में एनालाइज कर रहे हैं कि क्या वजह है कि विराट कोहली की वो परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रही। और उसके बरक्स अगर देखा जाए, हमारे जो बड़े बैट्समैन हैं, जो बाबर आजम जिनका अब दुनिया में नाम जिनका चल रहा है, जो कि ओडीआई में अब वो नंबर वन पर आ चुके हुए हैं, उन्होंने भी बल्कि विराट कोहली को अप्रिशिएट किया है कि कोई बात नहीं, ये जो वक्त है ये टल जाएगा, अच्छे बुरे वक्त क्रिकेट में आते हैं, हर प्लेयर पे आते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया। अब विराट कोहली को देखना है कि वो आगे इसको किस तरह से लेकर चलते हैं, क्या वो अपनी ये जो परफॉर्मेंस है इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या वो इसी तरह डाउन ही लेके अपनी परफॉर्मेंस को, जो उनकी कंसिस्टेंट चल रही है या ख़त्म हो चुकी है, या उनका जो टाइम है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, इसी को लेके हम आज आगे सवालात करेंगे अपनी ऑडियंस से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासिम मुनीर। साकिब मुमताज। मोहम्मद रेहान। अच्छा साकिब, आज का जो हमारा सवाल है वो आपसे ये है कि विराट कोहली को लेके काफ़ी 3 सालों से मसला चल रहा है, काफ़ी क्राइसिस आ रहे हैं, क्या विराट कोहली का कैरियर ख़त्म हो चुका है? क्या विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा उस तरह से जिस तरह वो परफॉर्म करते थे, जो कि नंबर वन बैट्समैन थे, क्या वो अपने आप को दोबारा उस तरह से अपनी पोजीशन पर लेकर आ सकेंगे या नहीं? जी देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो विराट कोहली है ना, उसने बेसिकली जो परफॉर्मेंस उसकी अभी जो है डाउन जा रही है, मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी दुनिया में कोई बंदा मौजूद है जो कहे जी मैं 100% परफेक्ट हूँ? हो जाता है इंसान के साथ बाज़ औक़ात कि कभी उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, कभी बेहतर हो जाती है, नशेब व फराज आते हैं इंसान की ज़िंदगी के अंदर, तो कभी उसकी अच्छी होगी परफॉर्मेंस, कभी डाउन हो गई, ये तो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर वो उसकी परफॉर्मेंस अप ही रहे हर वक्त, वो एक रोल मॉडल में रहे, तो डेफ़िनेटली वो उसको भी वो भी तंग आ देगा कि यार मैं तो हर वक्त फेम में रहता हूँ। तो कोई नहीं, ज़िंदगी में ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है कि जिसमें जो है ना इंसान के नशीब व फराज में जो है ना इस तरह के हालात हो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि विराट कोहली जो है ना वो बेसिकली एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, और अगर उनकी परफॉर्मेंस में अभी थोड़ा सा डाउन आया है, तो जिस तरह अभी उनकी अभी सीरीज़ जो अभी इंग्लैंड के साथ गुजरी है उनमें उन्होंने 17 का स्कोर किया था और उसमें वो जल्दी आउट हो रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पर वो विराट कोहली को ना एज आ अपना एक फेमस बैट्समैन कंसीडर करते हैं, और वो कहते हैं कि यार ये हमारा, उसको देख के उसी तरह की शॉट्स खेलते हैं, उसी तरह की जो है ना फील्डिंग करते हैं, और उसी तरह की जो है ना उनकी होती है बैटिंग हम करना सीखें, और उन्हीं के स्टाइल्स को अडॉप्ट करते हैं। अब लोगों का जब बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, बेसिकली देखें क्रिकेट है, गेम ही ऐसी है कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, हर प्लेयर पे आते हैं, पाकिस्तान के भी हैं। बाबर आजम की भी काफ़ी पहले जब स्टार्ट हुआ था तो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, फिर उनके बाद एक उनका लक चला और माशाल्लाह से अच्छा खेल रहे हैं। तो क्रिकेट है, गेम है, अप डाउन आते रहते हैं, इस तरह हम किसी को ना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि अब वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। हो सकता है उसका भी लक जो है वो ना चल रहा हो और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से प्रिपरेशन ना हो, लेकिन आगे अब वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करें और अपनी टीम को जो है वो ऊपर लाएं वापस। सर एक शेर से स्टार्ट करूंगा कि अक्स फिरते हो सर्दियों के शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जी बिल्कुल, और अप एंड डाउन आते रहते हैं, यकीन जानो एशिया का नंबर वन अभी भी बैट्समैन है। आप कहेंगे कि नहीं यार बाबर आजम होगा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे जितनी मोहब्बत है वो मेरे अपने पाकिस्तानी, लेकिन कोहली की क्लास आउट क्लास है। आप फैक्ट एंड फिगर ना देखा करें,
फैक्शन फिगर चेंज होते रहते हैं। आप क्लास देखा करें, आप देखा करें कि यार उसका नस्लों का बिलोंग कहाँ से है। क्लास तो है लेकिन उनकी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। आपको वही कहता हूँ कि सितारे बुझते हो चमकते रहते हैं, इस पर होता रहता है यार। क्रिकेट है, मोहम्मद रिजवान की आज से 2 साल पहले कैसी परफॉर्मेंस थी, नाम ही नहीं ख़त्म हो गया था। आज क्या है, आज हीरो है वो पाकिस्तान का। सर अगर आप देखें तो तेंदुलकर भी बीच में रुके थे, फिर वो अंडर मां ने दूसरा तेंदुलकर पैदा नहीं कर रही, इतना बड़ा बैट्समैन। कोहली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है इन द वर्ल्ड, मैं जो मानता हूँ। बिल्कुल ठीक, कमाल का बंदा है। अच्छा एक और आपसे क्वेश्चन करूँगा कि इंडिया में काफ़ी ये इस बात पर कह लें चर्चा हो रहा है, इवन के उनके चेयरमैन, उनके बड़े प्लेयर्स जो कि एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि विराट कोहली को थोड़ा रेस्ट दे दिया जाए, उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाए। थोड़ा जैसे अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ आ रही है, उनमें भी उनको रेस्ट दिया जा रहा है, क्या इनको टीम से ड्रॉप करना या रेस्ट देना अच्छी चीज़ है? देखिए रेस्ट देना और ड्रॉप करने में बड़ा फ़र्क है। ड्रॉप करना होता है निकाल देना, रेस्ट होता है कि यार खिलाड़ी में माइंडली थोड़ा स्ट्रेस होता है या कुछ होता है, कोई बॉडी कोई ऐसा मसले मसाइल आ जाते हैं फिजिकली, तो वो तो मानने में आती है। ड्रॉप अब तो फिर आप सर टीम को लेकर कैसे चलेंगे? कोहली वो है जो इंडिया का 200 स्कोर लेकर चलता है एक अपने सर पर, यानी कि वो 200 करने की कैपेबिलिटी है उसकी वनडे फॉर्मेट में, वो बड़ा बहुत बड़ा प्लेयर है। कमियां पेशी आती रहती हैं, मुझे मैं आपको बताऊं आज से 2 माह बाद आप कोहली की तारीफ कर रहे होंगे कि यार क्या बंदा है। नो डाउट, हम तो खुद कहते हैं कोहली एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन अब करेगा वो, अब देखें होता रहता है यार। बाबर आजम भी तो हुआ था ना, मैं आपको कह रहा हूँ रिजवान भी वो था, बड़ी टीम है आपकी, वो टीम है जो 6वें नंबर पर आपके चैंपियन ट्रॉफी बन जी चैंपियन बन गए थे हम, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी बन सकते हैं। तो वो बंदा जो पहले से चैंपियन है वो अब डाउन होकर दोबारा आप नहीं हो सकता, होगा और बहुत अच्छा बैट्समैन है। देखिए टीम के डिसीजन होते हैं कि यार जो नहीं चल रहा उसको रेस्ट दें, ये भी बड़ी टीमें ही करती हैं, छोटी टीम होती है तो वो नहीं जा रही। अच्छा मेरा एक सवाल आपसे और है, क्या आपको लगता है विराट कोहली का कैरियर ख़त्म हो चुका है या विराट कोहली आगे नहीं खेल पाएंगे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस जा रहे हैं, अब उनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? और नहीं सर क्या हो गया, अभी तो वो स्टार्ट हुए हैं, आपने अभी उनकी बहुत सेंचुरियाँ देखनी है, आपने बहुत फास्टेस्ट रन उनके देखने, वो लेजेंड है एमी है, ये तो तुक्की नहीं बनता कि वो ऐसा करेगा। देखें जो सीनियर्स होते हैं ना, ये जो आपने जिन क्रिकेटर्स का नाम लिया ये सीनियर्स हैं, अब उन्होंने डेफिनेटली अपनी तजर्बे की बुनियाद के ऊपर उसको एक ना अपना वो दिया होगा कि जी हो जाता है इंसान की ज़िंदगी में सारा कुछ हो जाता है कि डाउनफॉल आ जाता है, तो ये डाउनफॉल भी अगर उसकी लाइफ में आया तो डेफिनेटली वो उसको भी उस पोजीशन को दोबारा से अटेन करेगा और अटेन करने के बाद उस पोजीशन से भी अच्छी और अच्छी बेहतर पोजीशन पे चला जाएगा। अब देखें अब ये जो हमारे बेहतर जो खिलाड़ी हैं शुएब अख्तर है, वसीम अकरम है, वकार यूनस है, जितने अच्छे हमारे मायानाज लेजेंड्स क्रिकेटर्स हैं, डेफिनेटली उन्होंने भी क्या किया था अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपना नाम कमाने के लिए बेदिन जो दिन रात बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी कि दे वर्क्ड सो हार्ड, सो उन्होंने बहुत मेहनत की ठीक है, और ये मेहनत करने का उनको नतीजा भी मिला। तो डेफिनेटली विराट कोहली भी उसी स्ट्रगलिंग लाइफ में है और उन्होंने अपना एक जो है वो स्टेप जो क्या बेसिकली अभी लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल है, तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि वो आगे इसको जो है ना रिटेन कर लेंगे वापस पोजीशन को रिटेन कर लेंगे, इनका ये कहना था। और आपको अगर मैं क्वेश्चन करूँ कि बाबर और विराट में से अगर आपको कोई अगर अच्छा लगता हो तो आप किसको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कौन सा प्लेयर अच्छा है, क्या बाबर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या विराट? देखें बाबर आजम जो है ना उसकी फ्रंट फुट शॉट्स जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं ठीक है, और इसके अलावा जो विराट कोहली है ना उसकी जो उसको एक टर्म उसकी एक अलग क्लास है, उसकी डेफिनेटली एक अलग क्लास है उसकी, मुझे सबसे अच्छी लगती है। और उसकी ना मुझे सबसे अच्छी बात लगती है उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है ना विराट कोहली की, उसकी फिजिक जो एथलीट वाली बॉडी है उसकी, जो एथलीट यानी फिजिकल फिटनेस पे फिजिकल फिटनेस उसकी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि ठीक है क्योंकि वो एक परफॉर्म में है वो बंदा, अब उसका लक नहीं चल रहा वो एक अलग बात है, लेकिन जो टेक्निक्स उसके पास हैं टीम को लेकर चलने की और इतने सालों से वो नंबर वन बैट्समैन रहा है ODI की रैंकिंग में भी और T20 में भी, तो मुझे नहीं लगता कि उसको ड्रॉप करना एक अच्छा आइडिया होगा क्योंकि एक्सपीरियंस उसके पास बहुत ज़्यादा है। नो डाउट कि अभी वो परफॉर्मेंस में नहीं है लेकिन मेहनत वो इस तरह ही करते रहेगा और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जैसे उसकी परफॉर्मेंस पहले थी वैसे ही आगे आएगी। अच्छा मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या उनको रिटायर हो जाना चाहिए?
क्योंकि इनके रिटायरमेंट के हवाले से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि 13 साल हो गए उन्होंने क्रिकेट खेली है, अब ड्रॉप के साथ साथ उनकी रिटायरमेंट पे भी कई सवाल उठ गए हैं कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, क्या इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रिटायर हो जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ परफॉर्मेंस अगर नहीं हो रही तो उस पर बंदा रिटायर हो सके, ये वो अलग बात है कि आपकी एज फैक्टर होता है। 2 साल से परफॉर्मेंस, हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपकी एज निकल गई है या आप उस तरह से नहीं चल पा रहे, इंजरी वगैरह हो जाती है प्लेयर्स को, तो पाकिस्तान में इतने पुराने पुराने खेलते रहे हैं प्लेयर, उनको तो कभी रिटायर नहीं किया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती थी, तो मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट में सिर्फ परफॉर्मेंस को देख के ही ऊपर नीचे करना चाहिए। ये है कि उनको 1-2 सीरीज़ से ड्रॉप कर दें, उनकी प्रैक्टिस वो ज़्यादा अच्छी तरह करें, तो फिर मुझे लगता है कि कमबैक करेंगे वो वापस। वेरी गुड। अच्छा, आप विराट कोहली को अगर कोई पैगाम देना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें, आप क्या देना चाहेंगे विराट? मेरा तो वैसे सेकेंड फेवरेट प्लेयर है, तो मैं तो यही कहूँगा। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट पे बाबर आजम। वेरी गुड, क्योंकि हम पाकिस्तानी हो तो बाबर रहेगा। अच्छा, क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि बस प्रैक्टिस वगैरह उसी तरह जारी रखें जैसे पहली परफॉर्मेंस उनकी अच्छी चल रही थी, तो होप्स हो कि दोबारा उस तरह ही अच्छा वो परफॉर्म करें और अपनी टीम का नाम रोशन करें। जी व्यूअर्स, आज हमने बात की लोगों से और उनसे ओपिनियन लिया कि क्या विराट कोहली का कैरियर ख़त्म हो चुका है, क्या वो आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनकी जिस तरह परफॉर्मेंस जा रही थी, जिस तरह वो उनकी परफॉर्मेंस 3 सालों से डाउन जा रही थी, क्या वो आगे खेल पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो उस हवाले से हमने अपने जो व्यूअर से बात की है और उन्होंने हर एक ने अपना अपना ओपिनियन शेयर किया। तो आप इसी तरह वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।